की जल्द ही शुरुआत होने वाली है। लगातार नए नए कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आ रहे हैं। वही इस सीजन का हिस्सा होने वाले हैं जाने माने सिंगर राहुल वैद्य, जिन्होंने अपनी आवाज से लोगों को दीवाना किया। तो चलिए राहुल के बारे में आपको बताते हैं। राहुल वैद्य का जन्म 23 सितंबर 1987 को महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता एक इंजीनियर थे। उन्होंने हिमांशु मनोचा के अंडर म्यूजिक सीखा और कई चाइल्ड टैलेंट कॉम्पिटिशन में भाग लिया। 10 साल की उम्र में राहुल ने कई कमर्शियल्स के लिए जिंगल्स गाए। पेप्सी के कमर्शियल के लिए उनका पहला जिंगल था, जिसके लिए उन्हें 1200 रुपए मिले थे। आपको बता दें, जब वो कॉलेज के सेकेंड ईयर में थे, उन्होंने इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया था। वो इंडियन आइडल के फर्स्ट सीजन में नजर आए थे। वहीं उन्होंने अपना सिंगिंग डेब्यू एल्बम 13 इंतजार से किया था, जिसे साजिद वाजिद ने कंपोज किया था। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक गाने गाए। फिल्म शादी नंबर 1, जाने मन, रेस 2, इश्क इन पेरिस, क्रेजी 4, ऑल इज वेल जैसी फिल्मों के लिए उन्होंने गाने गाए। वहीं उनकी पर्सनल लाइफ की अगर बात की जाए, तो सबसे पहले राहुल का नाम इंडियन आइडल फर्स्ट सीजन की कंटेस्टेंट रह चुकी प्राजक्ता शुक्रे के साथ जुड़ा था। प्राजक्ता और राहुल शो के दौरान काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन शो खत्म होने के बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों को कई इवेंट्स में साथ हाथों में हाथ डाले देखा जाता था, लेकिन कुछ समय के बाद दोनों का रिश्ता टूट गया था। प्राजक्ता के फ्रेंड्स का कहना था कि राहुल का बिहेवियर जो जीता वही सुपरस्टार शो का क्राउन जीतने के बाद एकदम बदल गया था, जिसके बाद दोनों की राहें अलग हो गई। वहीं इसके बाद राहुल का नाम अलका याग्निक की बेटी सियशा कपूर से भी जुड़ा था। जी हाँ, ऐसी खबरें थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। आपको बता दें, राहुल का नाम प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा की एक्ट्रेस दिशा पवार के साथ भी जुड़ा है। दोनों याद तेरी गाने में साथ नजर आए थे। इस कोलैबोरेशन के बाद चर्चा होने लगी थी कि दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गए, लेकिन जब इस बारे में राहुल से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि हम दोनों एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे। दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करना पसंद है, पर दोनों अभी एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। वही जहां सफलता मिलने लगती है, अपने आप कंट्रोवर्सी से भी नाता जुड़ता जाता है। राहुल का नाम भी कई विवादों के साथ जुड़ा। राहुल एक टीवी प्रोड्यूसर गजेंद्र सिंह पर हरासमेंट और पैसे ना देने का आरोप लगाया था। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्होंने गजेंद्र के साथ शो म्यूजिक का महामुकाबला के लिए शूट किया था। उनके कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि उनके पैसे उन्हें 7 दिन में मिल जाएंगे, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उन्हें कभी पैसे नहीं मिले। लेकिन जब राहुल ने टीवी के प्रोड्यूसर गजेंद्र को पैसे देने के लिए कहा, तो उन्होंने राहुल को ये कहते हुए धमकाया था कि जो करना है कर ले, नहीं दूंगा पैसे। इस बारे में खुद राहुल ने खुलासा किया था। वेल, अब शो में राहुल वैद्य क्या गेम प्लान के साथ आते हैं, कब तक घर के अंदर टिकते हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वही रिपोर्ट्स की माने तो बिग बॉस 14 में सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान, गौहर खान, मोनालिसा और शहनाज गिल करीब 2 हफ्ते घर के अंदर रहेंगे और घर के सभी काम में हिस्सा लेंगे। वेल, आप इस शो को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बिग बॉस 14 से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।